सोलन में दमकल विभाग दिवाली को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसलिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दमकल विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। शहर में लगे वाटर हाइड्रेंट्स की जांच की जा रही है। कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। दमकल विभाग के वाहनों को दुरुस्त कर हमेशा तैयार रखा जा रहा है, ताकि दिवाली के समय में किसी भी तरह की घटना से तुरंत निपटा जा सके। सोलन में दमकल विभाग दिवाली को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसलिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दमकल विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। शहर में लगे वाटर हाइड्रेंट्स की जांच की जा रही है। कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। दमकल विभाग के वाहनों को दुरुस्त कर हमेशा तैयार रखा जा रहा है, ताकि दिवाली के समय में किसी भी तरह की घटना से तुरंत निपटा जा सके। अधिक जानकारी देते हुए दमकल विभाग के प्रभारी आर बागटा ने बताया कि उनके विभाग में दिवाली तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी 33 कर्मचारियों को हमेशा चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि 3 हाइड्रेंट्स खराब हैं और बाकी सभी चालू हालत में हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे पटाखों को गलियों में न चलाएं और हवाई पटाखा तो बिल्कुल भी न चलाएं, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बेहद बढ़ जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द है। किसी की इमरजेंसी हो जाती है, कोई डेथ केस, अदरवाइज कोई भी छुट्टी नहीं जा रहा। हमारे पास 33 कर्मचारी है जो ड्यूटी पर तैनात। सोलन में हमारा मेन मार्केट हो गई, बस स्टैंड है, आगे चंबा घाट, इन्हीं जगह पे जो है ज़्यादा पेंट नजर रहेगी। लोगों से हम अपील यही करना चाहेंगे कि खुले ग्राउंड में जाके जाएं, गलियों में पटाखे ना चलाएं और स्टॉल के आसपास तो पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं। लोगों से यही अपील है कि रॉकेट का कम से कम उपयोग करें, हो सके तो रॉकेट को ना चलाएं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला, छोटा ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।